जो हमारे पास इस समय टोटल वेंटिलेटर जो ठीक हैं वो है अराउंड 42 बेड वेंटिलेटर्स, ठीक है जी। और कुल हमें 82 वेंटिलेटर प्राइम मिनिस्टर योजना से आए थे। प्राइम मिनिस्टर योजना वाले जो हैं उसमें से लगभग 62 वेंटिलेटर्स वो ख़राब हैं, और वो शुरू से ही ख़राब हैं। ये सिर्फ फरीदकोट में ख़राब नहीं है, ये मेरे ख्याल से पंजाब में और सारे देश में ये ख़राब होंगे, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। पीएम केयर से ये फंड से आए थे ये। सो इन टोटलिटी दैट द पेशेंट्स विच वी हैव एट प्रेजेंट, उनके लिए इस समय वी आर नेक टू नेक। और आज ही मेरे को हमारे मंत्री साहब ने कहा भी 10 वेंटिलेटर आप अच्छी किस्म के खरीदें, और उसके बारे में हमने अभी बात कर ली है। और जो हमने पहले वेंटिलेटर अपने अस्पताल के लिए अपने फंड से लिए थे, उसी प्रकार के वेंटिलेटर हम अच्छे ले लेंगे। यदि प्राइम मिनिस्टर केयर वाले जो वेंटिलेटर है उसकी कीमत लगभग 1 लाख या 1.25 लाख की है, जबकि जो अच्छे वेंटिलेटर होते हैं उनकी 10 लाख से 15 लाख की है। सो विद इन नो टाइम वी विल बी एबल टू प्रोक्योर अनदर 10 वेंटिलेटर्स विच विल ऑफ ए गुड क्वालिटी, सो दैट हमारे जो वेंटिलेटर हैं वो जो आजकल 42 हैं 52 हो जाएंगे। इन एडिशन टू दिस हमने ये रिक्वेस्ट की है पंजाब सरकार से, तो पंजाब सरकार ने आगे पीएम केयर के जो जिस कंपनी से जो वेंटिलेटर लिए हैं उनको कहा है कि आप इनको आगे रिपेयर करें। और ये भी देखा गया कि जो इनके पास जो टेक्नीशियन है उनकी रिपेयर के लिए वो एक अलग टेक्नीशियन है जो कि सारे पंजाब में घूम रहा है, जैसे अमृतसर में हो या पटियाला में या कहीं हो। तो कल को वो टेक्नीशियन यहाँ आएगा तो उससे हम जितने वेंटिलेटर वो ठीक कर सकता उसको करवा लेंगे।